देवी क्षमा चाहता हूँ, पर हुक्मनामा आज रात के लिए है, पूरे गांव के लिए है। गाना बजाना जारी रखो, चलो काम शुरू करो। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, सफाई करो, अंदर चलो। परेशान मत हो होटल। मैं क्यों परेशान होने लगी, तुम्हें जाना ही है तो जाओ। जाना जरूरी है, कल सुबह कीव में पहुंचना है अपने साथियों के पास। हाँ सुन चुकी हूँ ये, तो गुड बाय। बहुत परिवर्तन आने वाला है इस देश में, अथाह बदलाव, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं होगा और ना ही तुम्हारे बिना होगा। मैं अकेला नहीं, जूस जेंटाइल्स बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन हालात से तंग आ गए हैं, समझती नहीं तुम? जरूर समझती हूँ, तुम जाना चाहते हो तो गुड बाय। होडल, तुम्हारे पिता और बाकी लोग ये सोचते हैं कि शादी की रात जो हुआ वो जरा सी आंधी थी, वो गुजर गई और मौसम फिर से शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सभी प्रांतों में अत्याचार हो रहा है, प्रदर्शन, हिंसा, पूरे के पूरे गांव खाली करवा दिए जा रहे हैं। ये आग फैलती जा रही है और यहां भी पहुंचेगी, समझी? हाँ शायद समझ रही हूं मैं। मुझे काम करना है, इस धरती का सबसे महान कार्य। तो गुड बाय परचे। होडल, जाने से पहले एक प्रश्न है जो तुमसे पूछना चाहता था। हाँ? एक राजनैतिक प्रश्न, विवाह का प्रश्न। ये राजनैतिक प्रश्न है? देखा जाए तो हाँ, नर एवं नारी का दाम्पत्य संबंध, आपसी विश्वास, धारणाओं और समाज के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण पर टिका है। और स्नेह? एवं स्नेह, इस संबंध से सकारात्मक सामाजिक मूल्य उत्पन्न होते हैं। मुझे तो इतना समझ आता है कि शायद तुम मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हो। देखा जाए तो हाँ। तो देखा जाए तो मैं भी यही चाहती थी परचे। तो देखा जाए तो तुम्हें मंजूर है? क्या मैं मान लूं कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, मैं यहां से जा रहा हूं तो भी? मैं बहुत खुश हूं होटल, बहुत खुश। मैं भी परचे, लेकिन हमारी शादी कब होगी परचे? जितना जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा, लेकिन जिंदगी कठिन होगी होटल। अगर हम इकट्ठे काटेंगे तो कम कठिन होगी। ठीक। कैसे हो परचे? रेवतेव, कुछ बुरी खबर है, मुझे यहां से जाना होगा। कब? अभी। ओहो, सब तुम्हें याद करेंगे परचे। लेकिन एक खुशखबरी भी है, मुझे मुबारकबाद दीजिए। मुबारकबाद? किस बात पर? हमारी एंगेजमेंट हो गई है। एंगेजमेंट? हाँ पापा, हमारी मंगनी हो गई है। नहीं हुई है। मुझे मालूम है तुम इसे चाहती हो और ये तुम्हें चाहता है, लेकिन ये यहां से जा रहा है और तुम यहीं पर रह रही हो। सो परचे, सफर अच्छा गुजरे, भगवान करे तुम खुश रहो, और मेरा जवाब है नहीं। पापा आप समझ नहीं रहे। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा नहीं। माफ करना होडल, हम तुम्हारे लिए कोई यहाँ ढूंढेंगे, इधर अनतेप का में। रेवतेव, क्या बात है? हम आपसे अनुमति नहीं, केवल आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम शादी करने वाले। तुम मुझसे अनुमति नहीं मांग रही?
मांग रही हूँ पापा, आपका आशीर्वाद। ये कहाँ आ गए हम, यहाँ तक कि एक लड़का मुझसे कहता है कि वो शादी कर रहा, मुझसे पूछता नहीं है, मुझे बताता है, और इससे पहले वो उसे मझधार में छोड़ देता है। मुझे मझधार में नहीं छोड़ा वो पापा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसे बुलवा भेजूंगा और इससे शादी बनाऊंगा। मैं प्रेम करता हूँ इससे। प्रेम, प्यार, नया स्टाइल। दूसरी ओर हमारे पुराने तौर तरीके भी तो एक वक्त में नए थे, है ना? लेकिन दूसरी ओर इन्होंने बिना माँ बाप से पूछे तय कर लिया। लेकिन दूसरी ओर क्या आदम और ईव ने अपने माता पिता से पूछा था? उनकी जोड़ी किसने बनाई थी? लगता है इन दोनों की जोड़ी भी उसी अदृश्य शक्ति ने बनाई है। ठीक है बच्चों, मेरा आशीर्वाद और इजाजत तुम्हारे साथ। थैंक यू पापा, मेरे दिल को इतनी खुशी दी है आपने। और कर भी क्या सकता हूँ मैं। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। तुम्हारी मामा को क्या बताऊंगा? अगर आप उन्हें ऐसा कुछ कहें कि मैं अपने अमीर अंकल से मिलने जा रहा हूँ। प्लीज परचेक, तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, मेरी बीवी को मुझ पर छोड़ दो। कोल्डे।